कोरोना संक्रमण से प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने एक अहम योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे प्रभावित परिवारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिन सदस्यों ने कोविड के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता योजना की इजाज़त दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि कोविड से ग्रस्त परिवार आर्थिक सहायता योजना पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। जिनके घर में कोरोना से मौत हुई है वो पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार का एक प्रतिनिधि सभी के घर जाकर फॉर्म भरवाएगा और रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल बैठक का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि पिछले करीब 1.5 साल में पूरी मानव जाति कोरोना महामारी से पीड़ित है। देश में कोरोना की 2 लहरें आ चुकी हैं। दूसरी लहर इस साल अप्रैल में आई, मगर दिल्ली के लिए 4थी कोविड की लहर थी। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल जून, सितंबर, नवंबर और इस साल अप्रैल में कोविड लहर आई, मगर 4थी लहर ने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अमरिंदर सिंह आप प्रमुख ने कहा कि इस लहर में लोगों की सबसे अधिक मौत हुई है। कोरोना के कारण कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे समय में दिल्ली सरकार ने ऐसे परिवारों की मदद करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक योजना को शुरू किया जा रहा है। इसमें जिन घरों में लोगों की कोरोना से मौत हुई है ऐसे हर व्यक्ति के लिए दिल्ली सरकार 50,000 रुपये की मदद देगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि जिन घरों में कोरोना से कमाने वाले शख्स की मौत हुई है या जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, ऐसे लोगों को हर महीने आर्थिक मदद का सहारा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द डेली टुडे न्यूज़।